हे गाइस, मैं उरु तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हब एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 विच इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो दिस इज चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हम एक्चुअली बोल देते हैं किसी भी फोर साइड का फोर लेटरल। क्वाड मींस फोर एंड लेटरल्स मींस साइड। सो क्वाड्रिलेटरल्स को हमें इसमें समझना है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल को समझने के पहले यहाँ पे आपको शेप को समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके के शेप होते हैं, किस तरीके के नहीं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 4-5 टाइप के शेप होते हैं। सिंपल, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ लो या सिंपल कर्व पढ़ लो, बात एक ही है, ठीक है, सिंपल कर्व, ठीक है। तो सिंपल कर्व क्या क्या होते हैं। सिंपल कर्व वैसे फिगर होते हैं जो एक बार पेन चलाने से दूसरी बार उठाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल एक बार यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लाके मैच कर दिया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कर्व हो, वो ऐसा भी हो सकता है, यूं यूं ऐसा। कुल मिलाकर आपको अपनी पेन उठानी ना पड़े और लाइन आपस में क्रॉस ना हो। यदि लाइन से मैं बना रहा हूँ तो यदि मैं ऐसा कुछ कर दिया तो ये सिंपल क्लोज कर्व में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल नहीं है। यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर दी, तो कोई भी ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो और दूसरा आपको पेन अपनी ना उठाना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया ऐसा और मुझे दूसरा सर्कल इसी के अंदर मैं बना दिया, तो मेरे को पेन उठानी पड़ी, तो दैट इज़ नॉट सिंपल, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सिंपल। सो ये आते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंपल कर्व के अंदर। क्लोज्ड का मतलब क्या है, क्लोज्ड का मतलब है कि खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लाके ऐसे ख़त्म कर दूंगा। ये कर्व है लेकिन क्लोज नहीं है। क्लोज तब होगा जब मैं इसको परफेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहीं पॉइंट पे लाके ख़त्म कर दूँ। तो पहला पॉइंट है सिंपल क्लोज्ड कर्व या सिंपल कर्व। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। आगे आते हैं डायरेक्ट। इसके बाद है पॉलीगन। पॉलीगन्स होते क्या है। पॉलीगन्स है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय ओनली द लाइन सेगमेंट। अभी मैं सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे बना रहा था, मैं कर्व का भी यूज़ कर रहा था, ऐसा भी मैं ऐसा भी लाइन का भी यूज़ करके और उसमें ऐसा कर्व जोड़ दूँ तो भी ये क्लोज कर्व है। लेकिन पॉलीगन सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब है एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बना दिया, तो ये मेरा पॉलीगन हो जाएगा। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, तो ये मेरे पॉलीगन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि पॉलीगन यदि लाइन से बनता है तो मिनिमम मुझे कितनी लाइन रिक्वायर्ड है किसी एक पॉलीगन को बनाने के लिए। सो सबसे लीस्ट पॉलीगन, मतलब सबसे छोटा पॉलीगन जिसमें सबसे कम लाइन यूज हो, वो मेरा ट्रायंगल होता है। बिकॉज यदि मैं दो लाइन ऐसे बनाऊं तो दो लाइन से मैं एक क्लोज कर्व नहीं बना सकता। क्लोज लाइन सेगमेंट का यूज़ यहाँ पे मैंने किया और मिनिमम लाइन 3 पॉसिबल हैं, तो इसको मैं ट्रायंगल बोल देता हूँ। इसी तरह जिसमें 4 साइडें होती हैं उसे मैं क्वाड्रिलेटरल बोल देता हूँ। इसी तरह 5 साइड वाले फिगर को मैं क्या बोल देता हूँ, पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, देन ऑक्टागन, देन नॉनेगन, देन डेकागन, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, अपन को यहाँ तक सिर्फ देखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि पॉलीगन दो टाइप से कैसे यहाँ पे डिवाइड होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि दो टाइप कौन कौन से हैं पॉलीगन के। एक तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया और दूसरा यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव आप इनको कैसे याद रखोगे। कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, आपने इंग्लिश में वर्ड एक पढ़ा है केव, ठीक है। केव का मतलब क्या है, गुफा। और गुफा कैसी, अंदर को ऐसी घुसी हुई होती है ना, बस इतना सीधा सीधा याद रखना है। मतलब कि कोई भी फिगर जो ऐसा अंदर साइड को दिखाई दे, दैट इज़ कॉनकेव, ठीक है। एंड कोई भी फिगर नॉर्मल ऐसा बना हो, दैट इज़ माय कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पॉलीगन तो आपको पता है, पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जैसे फिगर बने हैं, तो दैट इज़ माय कॉन्वेक्स। एंड जो इस टाइप के फिगर होंगे वो मेरा कॉनकेव। अच्छा, अब इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलूँ तो बेसिक डिफरेंस इसका जो होता है, मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेता हूँ और एक यहाँ पे
कॉनकेव का फिगर बना लेता हूँ। मान लो कि एक ऐसा बना लिया मैंने, ठीक है ये मैं बना लिया, ठीक है ऐसा, ठीक है ये बना लिया। अब बेसिक डिफरेंस यहाँ पे एक ही है कि यदि मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा डायगोनल होता है, आपको पता ही है। तो डायगोनल की जो लाइन है यहाँ पे, वो डायगोनल जो है वो इस फिगर के अंदर रहेगा। सो ये मेरी पहचानी किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। सो इन कॉन्वेक्स पॉलीगन वी कैन से दैट डायगोनल्स लाइज इनसाइड द फिगर, एंड इन कॉनकेव पॉलीगन डायगोनल मे लाइज आउटसाइड ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल बाहर भी लाई कर सकता है अपोजिट वर्टेक्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा। तो दैट इज माई बेसिक डिफरेंस ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है हर एक साइड जिसकी बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि सबसे छोटा ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल में जिसकी हर एक साइड बराबर होती है वो क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे हर एक साइड क्वाड्रिलेटरल में किसकी बराबर होती है, स्क्वायर की, ठीक है, या रोम्बस बोल दो, रोम्बस की भी सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद ऐसा कोई फिगर है क्वाड्रिलेटर में, नहीं है। पेंटागन में यदि पांच साइड में मानूँ तो पांचों साइड बराबर होनी चाहिए, तो मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये पांच साइड मेरी बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे ये तो हेक्सागन मैंने बना दिया, पेंटागन में पांच साइड, ठीक है, तो इसकी छः की छः साइड आपस में बराबर होंगी। तो दैट इज़ माई रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे तुरंत और उसको फिनिश करते हैं। सो एक्सरसाइज यहाँ पे आप देखोगे, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन हियर सम फिगर, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठ फिगर आपको दिए हुए हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ, किन बेसिस पे मुझे क्लासीफाई करना है, सिंपल कर्व। अभी मैंने सिंपल कर्व का डेफिनेशन क्या बताया था, फिगर की लाइंस या कोई भी ऐसा शेप जिसको क्रॉस ना करे एक दूसरे की लाइन, और नॉर्मल यहाँ पे एक पॉइंट से स्टार्ट हो और उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाए, दैट इज़ माय सिंपल कर्व। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे ये मेरा सिंपल कर्व है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी सिंपल कर्व है, फर्स्ट सेकंड, देन थर्ड वाला सिंपल कर्व है, नहीं थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है, बिकॉज यदि मैं एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट पे आके ख़त्म कर दूँ तो मुझे इसके दूसरा सर्कल बनाने के लिए मुझे पेन अपनी उठानी ही पड़ेगी। और सिंपल कर्व मैंने क्या बताया, आपको अपना पेन नहीं उठाना है और ना ही एक दूसरे की लाइन को कट करना है। सो दैट इज़ माई नॉट अ सिंपल कर्व। तो फर्स्ट सिंपल कर्व है, सेकेंड सिंपल कर्व है, फिफ्थ सिंपल कर्व है, देन सिक्स्थ सिंपल कर्व है, सेवन्थ सिंपल कर्व है, तो ये मेरे सिंपल कर्व हैं। ये भी नहीं है मेरा सिंपल कर्व, तो 3 4 5 3 4 8 मेरा सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व में देखूंगा तो ये भी मेरा क्लोज है, सेकंड वाला भी क्लोज है, थर्ड वाला अगेन नहीं है। जब वो सिंपल कर्व ही नहीं है तो वो क्लोज कैसे हो सकता है, ठीक है। इसी तरह फोर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार की जो लाइनें हैं आपस में कट हो रही हैं, ये भी मेरा सिंपल क्लोज है, ये भी मेरा सिंपल क्लोज है, सेवन्थ भी मेरा सिंपल क्लोज है, और एट्थ मेरा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये सिंगल लाइन है जो कि ऐसे सर्कल पे बनी हुई है, तो ये मेरा सिंपल क्लोज नहीं है। पॉलीगन कौन सा है, पॉलीगन मैंने बताया है पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो यहाँ पे इसमें कर्व शेप आ रहा है ऐसा, तो ये नहीं है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ये मेरे पॉलीगन हैं, ठीक है, ये और ये। पॉलीगन के टाइप अलग हैं लेकिन ये दोनों पॉलीगन में आ जाएंगे। अब टाइप में आते हैं, टाइप मेरा क्या है यहाँ पे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स के लिए मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बेसिक डिफरेंस बताया था कि जिसका डायगोनल में आउट लाइज आउटसाइड द फिगर दैट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। या हिंदी में सीधा सीधा बताया था मैंने, कॉनकेव मतलब गुफा टाइप का, मतलब अंदर ऐसा कुछ घुसा हुआ रहेगा यहाँ पे फिगर के। तो यहाँ पे पहला वाला कॉनकेव हो जाएगा, पहला वाला मेरा कॉनकेव हो गया और दूसरा वाला मेरा कॉन्वेक्स हो जाएगा। बस इतना इसमें बताना था कौन फिगर किस में है। सेकेंड वाले का मैंने आंसर नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ, ये सारे फिगर मेरे सिंपल क्लोज्ड करके हैं, ठीक है।